हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक। और आज साउंड एक्सपो की दूसरे दिन में हम आ गए हैं स्टेज प्रो की स्टॉल को विजिट करने के लिए। स्टेज प्रो की स्टॉल में मैं सबसे पहले दिखा देता हूं। तो किशोर जी के रिक्वेस्ट से ही हम यहां पे आए थे स्टेज प्रो को देखने के लिए। देखने के बाद ये जो भाई साहब है ना, ये पूरे दिल को जीत ले गए। क्या इनका डिटेल्स है ये तो बताऊंगा, पूरा स्टॉल जो है वो भी विजिट कराऊंगा आपको। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं लाइन एरे को लेके। लाइन एरे को छोड़ के बाकी सामान जितना भी सारा है एक एक करके रिव्यू आपको दे रहे हैं, तो देखते रहिए पूरे वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अपना है, ये है स्टेज प्रो का डुअल 10 इंच लाइन एरी। यहाँ पर देख सकते हो इसमें 350 वाट प्लस 350 प्लस 80 वाट का 2 HF है, 350 प्लस 350 का 2 स्पीकर है। ये 2-way लाइनरी होने वाला है स्टेज प्रो का तरफ से। और प्राइस रेंज भी थोड़ा सा बता, यहाँ पर देखो अभी एग्जीबिशन का स्पेशल प्राइस है इसका 30,000 का एक पीस, 60,000 का पियर, मैंने 60,000 में 2 पीस, 30,000 में 1 पीस, 60,000 में 2 पीस। और यहाँ पर देख सकते हो ये VT 4888 है, ये 3-way लाइनरी है। यहाँ पर जो लाइन, यहाँ पर डिटेल है, मैं पीछे से अभी और डिटेल दिखाता हूँ। ये लाइनरी यहाँ पर देखो आप, 600 प्लस 600 के 2 स्पीकर, 80 वाट के 4 स्पीकर और 90 वाट के 2 HF, टोटली 3-way लाइनर। 3-way लाइनरी इसका पूरा कंप्लीट मैं आपको डिटेल यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 40 हर्ट्ज से लेकर 18,000 हर्ट्ज तक काम करता है, और 98 dB आपका स्पीकर काम करता है, और मिड स्पीकर 100 dB काम कर रहा है, HF 108 dB काम कर रहा है, 1200 वाट का स्पीकर है, मिड 320 वाट का टोटल 80 करके 320 और HF 90 प्लस 90 180 का HF है। ये देख सकते हो इसका प्राइस रेंज है अभी स्पेशल प्राइस, कोलकाता एग्जीबिशन का स्पेशल प्राइस है 1,40,000 का पियर है, एक पीस का दाम 70,000। अगर आप लोग अदर टाइम दूसरे टाइम में करोगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि एग्जीबिशन काफ़ी सस्ता दे रहे हैं, कुछ ऑफर में दे रहे हैं। तो ये तो था लाइनर का प्रोडक्ट रिव्यू। किशोरदा हमारे साथ हैं, किशोरदा को लेके ही हम जितना सारा इनका माइक से शुरू करके एम तक सेटअप है, तो चलिए पूरा सेटअप एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। SP5G स्टेज प्रो की तरफ से SP5G पूरा आपको फ्लाइट केस के साथ मिल जाता है। ये रहता है आपका हैंडहेल्ड वाला मॉडल, उसके साथ आपको पावर जो एडाप्टर है, पूरा जो कैप है, उसके साथ TS कनेक्टर, एंटेना, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है ऑन बॉक्स। ओके किशोरदा ये निकल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रिसीवर है ना, आप देख सकते हो इसे कुछ जाना पहचाना सा आपको लग रहा होगा। तो ठीक है, आपको कंपनी का नाम बता नहीं रहा हूँ अभी, कौन सा कंपनी का आप देखे हो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। और इसका अगर कार्टिज देख लो, इसका भी जो कार्टिज पैटर्न है आप देख के समझ सकते हो किस कंपनी जैसा होने वाला है। रिस्पॉन्स किशोरदा बता रहे थे कि मान लो करीबन 80-85% उसके जैसा ही क्वालिटी आपको मिलेगा। 90% अभी तो बोल रहे हैं कि 90% क्वालिटी मिल जाएगा। मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, ये मेरे पास भी एक पीस है, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, इसीलिए इसको लेके आया हूँ मैं। इसकी प्राइस रेंज भी देखिए काफी सस्ता है, ये 14,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। बेच रहे हैं इसका अभी मार्केट रेट है, हम लोग दुकान से हम लोग 18,000 में बेच रहे हैं, लेकिन एग्जीबिशन में 14 करके छोड़ रहे हैं इसको। ओके 14,000 रेट है यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए। फिर यहाँ पे कॉर्डलेस को छोड़ के यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो माइक्स हैं ना, विथ कॉर्ड में भी अच्छा अच्छा माइक होने वाला है। स्टेज प्रो का प्रो 8, स्टेज प्रो की तरफ से प्रो 7, प्रो 09, यहाँ पे SP845, यहाँ पे देख लीजिए SP835। ये दो मॉडल किस कंपनी के हैं ये भी आपको पता है, ठीक है, ये भी फेमस मॉडल है। ये आपको S मॉडल में मिल जाता है स्विच के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रांसड्यूसर्स रखा हुआ है, यहाँ पे स्टेज प्रो का ट्रांसड्यूसर्स दिखाता हूँ, 750 जो 750 होता है, देखिए पेयर 7,800 रुपये के अंदर आपको मिलता है। ये जो है ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये भी सेम ही है इनका ही भाई, ये देख लो एक बार, 10,000 रुपये के अंदर ये आपको पेयर मिलने वाला है, 140 वाट का यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिलेगा RMS पावर के साथ। हाँ, दूसरे जो ब्रांड्स हैं इसको 200-250 बोल के बेचते हैं, पर हमारा यहाँ पे 140 वाट ही लिखा हुआ है। फेराइड में आपको मिल जाता है HFs। ओके अब दिखा देता हूँ स्पीकर्स पहले से शुरू करता हूँ। पहले तो यहाँ पे 450 वाट का स्पीकर मुझे दिख रहा है,
ये भी काफ़ी मुझे बजट के अंदर सही लगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 4000 रुपये के अंदर आपको 450 वाट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 4800 रुपये के अंदर यहाँ पे जो मॉडल है 500 वाट का मॉडल है, ये वाला मॉडल 500 वाट का है, 8 ओम्स तो होता ही, आपको पता ही है सिंगल स्पीकर मतलब 8 ओम्स का ही होगा। यहाँ पे देख लीजिए 650 वाट का स्पीकर, यहाँ का कोनिंग का क्वालिटी काफ़ी जाम्पी और पंची टाइप का कोन यहाँ पे आपको मिल जाता है, सिलिकॉन कोटेड पूरा नीचे आपको देखने के लिए मिलता है। और ये जो स्पीकर रहने वाला है ये आपको 7500 रुपये के अंदर सिंगल पीस मिल सकता है, ठीक है ना। ये था 15 इंच का, अब चले जाते हैं 18 इंच में। 18 इंच में देखिए ये भी काफ़ी जाना पहचाना सा मॉडल आपको लगता है, तो ये जो स्टेज प्रो का है SW18027, ये 8 ओम्स में आपको 1000 वाट तक RMS पावर में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। और एक जो मॉडल है DJ वाले भाइयों के लिए, वो तो PD मॉडल बहुत ही पसंद करते हैं, PD मॉडल इनके पास अवेलेबल है, 14000 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है, ये 1500 वाट का PD मॉडल रहने वाला है। टोटल स्पीकर्स तो यही था, यही जितना सारा स्पीकर्स है आपको शोकेस कर दिए। अभी देखिए इनका जो कॉन्सोल्स है, कॉन्सोल्स भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये कॉन्सोल्स भी इनका इम्पोर्टेड कॉन्सोल्स रहता है, ये SP24 FX के साथ रहता है। इस मिक्सर के बारे में शायद से आप लोगों को कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, इसमें चारों ग्रुपिंग्स आपको मिल जाता है, मोनो और स्टीरियो के लिए आपको यहाँ पे पेडर दिया जाता है, 2 पीस FX मिल जाता है, देखिए FX का यहाँ पे लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसे छोड़ के यहाँ पे चारों ऑक्स के साथ 2 FX के साथ आपका मिक्सर अवेलेबल होता है। यहाँ पे हालांकि तो आपको कंप्रेशन सिस्टम नहीं मिलता, पर ये मिक्सर आपको 36000 के अंदर मिलने वाला है 24 चैनल में। सेम मॉडल 32 पे भी आप जा सकते हो, स्टेज प्रो की तरफ से 32 चैनल का। यहाँ पे देखिए चारों ग्रुप्स के साथ ये सेम टू सेम मिक्सर FX लाइब्रेरी के साथ, बाकी सब फीचर सेम टू सेम है, ये आपको मिलेगा 42000 रुपये के अंदर, ओके ना। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भी और एक मॉडल रखा हुआ है SP16, ये स्टेज प्रो का खुद का डिज़ाइन लगता है, ठीक है। ये मिक्सर भी आप अवेलेबल ले सकते हो, यहाँ पे डिजिटल DSP आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड चेंज करने के लिए ये बटन होता है, पुश कर दो वहीं पे सेट हो जाएगा, आपको तो पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे FX रिटर्न रहता है, हर एक चैनल के लिए आपको FX मिल जाता है, ऑक्स मिल जाता है, और 3 बैंड इक्वलाइजेशन सिस्टम के साथ आपको ये मिक्सर प्रोवाइड होता है, जिसके आउटपुट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 बैंड इक्वलाइजर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ USB से आप अपना प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ ब्लूटूथ से प्ले कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग करके साथ में पेन ड्राइव का कोई चिपसेट ले जाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टोटली एम्पलीफायर सेक्शन है। किशोरदा की चैनल में इसका रिव्यू आया था, GT9000 किशोरदा इसे बेस बजाने के लिए तो बहुत रिकमेंड करते हैं। इसका आप लोड कैपेसिटी देख सकते हैं, अगर आप सिंगल स्पीकर में ड्राइव कर रहे हो मतलब कि 8 ओम्स में 2000 वाट तक लोड दे सकते हो, 4 ओम्स में दोनों 1500 करके चला सकते हो, 3000 वाट लोड लेता है, 2 ओम्स में ये मशीन खतरनाक लेवल पे स्टेबल है, 4000 वाट तक लोड ले लेता है। ये आपको करीबन सब कुछ मिला के 58000 रुपये के अंदर यहाँ पे एक्सपो रेट में मिल जाएगा, ठीक है ना। MT1601 बेस बजाने के लिए, बेस के दुनिया में और एक एम्पलीफायर जो जाना जाता है MT सीरीज का अंदर आप देख लीजिए सेम टू सेम पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे 30 पीस टोटली 60 पीस आपको मिल जाएगा MOSFETs। ये जो है ऊपर पूरा ढक्कन खोल के रखा हुआ है, इसका पावर कैपेसिटी भी कितना हाई होगा आप देख लीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छी खासी पावर में हाई डैम्पिंग के साथ लो बजाने में मदद करेगा, ठीक है। ये और एक फेमस मॉडल CA20, वो भी स्टेज प्रो की तरफ से, हालांकि ये स्टेज प्रो का ही है तो CA20 स्टेज प्रो का कोई कॉपी नहीं मिलता, यही ओरिजिनल सेट में मिलता है। इसको आप देख सकते हो, सामने का पैनल व्यू अगर मैं आपको दिखा दूं, बीच में जो है ना पावर का स्विच रहता है, ठीक है, पुश कर दो ऑफ हो गया, पुश होल्ड किया ऑन हो गया, प्रोटेक्ट आया, प्रोटेक्ट छूट जाएगा पूरा मशीन ऑन हो जाएगा, ठीक है, प्रोटेक्ट छूट गया एम्पलीफायर मेरा ऑन हो गया। सामने 2 पीस फैन, पीछे 2 पीस फैन, फुल्ली कूल सिस्टम के साथ 6 पीस यहाँ पे कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 16 32 MOSFET के साथ ये सेट आपको अवेलेबल हो जाता है।
8 ओम्स में आप 1000 वाट, 4 ओम्स में 1800 वाट, 2 ओम्स में 2500 वाट चला सकते हो। अच्छा, AMT 1601 जो मॉडल है ना, उसमें आप 8 ओम्स में 1700, 4 ओम्स में 2250, 2 ओम्स में 3000 वाट तक लोड चला सकते हो। ये तो रहा आपका पावर एम्पलीफायर का सेट्स। यहाँ पे देखिए स्टेज प्रो का 3.0 मॉडल, ये बांग्लादेश में मॉडल बहुत चलता है, बांग्लादेश में ये एक बहुत ही जाना माना कंपनी के नाम से बेचा जाता है। ये मॉडल जो है स्टेज प्रो का, ये भी बहुत ही बढ़िया मॉडल है, टॉप के लिए मॉनिटर के लिए सजेस्टिव है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज प्रो का डीजे सीरीज का एक एम्पलीफायर आपको मिल जाता है, डीजे सीरीज में आपको डीजे 1000 मिल जाता है। इसका जो प्राइस रेंज पड़ेगा करीबन 16-17 हज़ार रुपये के अंदर ही आपको मिल जाता है। ये भी बहुत बढ़िया है, इससे आप लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर देके ड्राइवर यूनिट चला सकते हो। यहाँ पे स्टेज प्रो का 600 वाट का एम्पलीफायर मिलता है जो है PBT 600X। इसके अंदर आपको 3-band इक्वलाइजेशन मिलता है, हॉर्न नॉब सिलेक्टर मिलता है और एक वॉल्यूम मिलता है। इस पर भी सेम है, करीबन आप 800-850 वाट तक लोड देके आराम से इसे ड्राइव कर सकते हो। इसका प्राइस रेंज आएगा आपको करीबन 12,000 रुपये के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे जितना भी सारा प्रोडक्ट था आपको शोकेस किया गया था यहाँ पे, वो हर एक को रिव्यू देने के लिए कोशिश किए हैं। बहुत सारा प्रोडक्ट इनका मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप सिलीगुड़ी से बिलोंग कर सकते हो, किशोरदा है, किशोरदा के पास जाके आप देख सकते हो, किशोरदा के पास लाइव डेमो का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप बजा के देखना चाहो, इनके कैबिनेट के साथ भी टेस्ट करना चाहो तो कोई बात नहीं, वो पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। पिछली बार जो वीडियो डाले थे स्टेज प्रो का GT 9000, वो खुद के जो बेस का कैबिनेट है उनके अंदर ही बजा के टेस्ट किए थे, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स था। इनका फेसबुक पेज में जाके आप देख सकते हो, वो वाला वीडियो अभी तक अवेलेबल है। तो किशोरदा और कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखो हम लोग अभी यहाँ पर एक्चुअली सोचे नहीं थे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कलकत्ता डीजे एक्सपो में, इसलिए थोड़ा माल लेके आए, लेकिन अब यहाँ पर गलती का एहसास हो रहा है, और ज़्यादा माल लाने का काम था हम लोग, ठीक है अगला बार, इस बार थोड़ा कम माल लेके आए, अगला बार ज़्यादा माल लेके आएंगे, अपना लाइनरी कम्प्लीट सेटअप आउटडोर में साउंड टेस्टिंग में लगाएंगे। हम लोग अगला साल आउटडोर में साउंड टेस्टिंग लगा रहे हैं, यहाँ पर स्टॉल छोटा लेंगे लेकिन आउटडोर में साउंड टेस्टिंग हम लोग लगा रहे हैं, और बेस सब स्टेज प्रो का रहेगा, 18 या 21 जो भी अपना है, सारा माल रहेगा, सारा अपना स्टेज प्रो का आउटडोर साउंड चेक करेंगे। तो भाई अगला साल के लिए रेडी हो जाओ, इस बार तो नहीं हुआ, अगला साल डीजे एक्सपो कलकत्ता में हम लोग विजिट करेंगे वही आउटडोर साउंड टेस्ट के साथ। और साउंड एंड टेक के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई जल्दी से जाके चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो भाई, नहीं तो मेरे जैसे झुला दोगे, भाई को ऊपर उठाओ। नहीं, किशोरदा का यही आइकॉनिक बात सुनने के लिए किशोरदा को बोले थे, थैंक यू सो मच किशोरदा, और आप सभी को थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।